पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा मैंने शुरुआत में एक बात कही कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें बदलने की कोशिश लगातार कर रहा है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है या उनके खिलाफ इस तरह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उनकी छवि को पूरी तरीके से धूमिल किया जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर के जिस तरीके से रैलियां निकाली जाती हैं और उसमें जिस तरीके की सद्भावना और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान दी जाती रही है बरसों से, अब उसको नजर लगने लगी है। क्योंकि कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी एक ऐसा नाम है जिसे बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आए दिन कोई ना कोई हथकंडा अपनाती रहती है और एक दुष्प्रचार मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी किया जाता है। जहां फसाद होता है वो फसाद की खबरें दिखाने में लगातार आगे रहते हैं और सारा ढीकरा ममता सरकार के ऊपर फोड़ते हुए नजर आते हैं, पर जहां एकता की मिसाल दी जाती है उस पर भी राजनीति कहीं ना कहीं खोज ली जाती है। कोलकाता से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर हम लोगों के सामने आई है जिस पर आप लोगों को भी एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित एक दुर्गा पूजा पंडाल में कथित रूप से अजान के रिकॉर्डिंग बजने के बाद सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर विवाद पैदा हो गया है। एक स्थानीय वकील ने बेलियाघाट 33 पल्ली पूजा के आयोजकों के खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने की शिकायत करते हुए ईमेल से बेलियाघाट थाने को शिकायत भेजी है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। आयोजकों का दावा है कि अजान के रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि इस्लाम के बारे में उर्दू में बजाए जाने वाले संदेश का मकसद हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में भाईचारे का संदेश देना था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पक्ष और विपक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय विधायक परेश पाल इस दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक हैं। उन्होंने इस विवाद को निराधार बताते हुए इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आयोजकों की दलील है कि उन्होंने समाज और देश में बढ़ती असहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए इस बार आमरा एक एका नए हम एक हैं अकेले नहीं की थीम पर पंडाल बनाने का फैसला किया था। बीते दो दिनों से पंडाल से कथित रूप से अजान की रिकॉर्डिंग बजने पर इलाके के कई लोगों में भारी नाराजगी है। उनकी दलील है कि दुर्गा पूजा राज्य में सबसे बड़ा त्योहार है। एक स्थानीय निवासी तारकेश्वर पाल कहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों का पालन भी करना होगा। पूजा के पंडाल से अजान बजाना गलत है। उनका सवाल है कि क्या ईसाई या मुस्लिमों के त्योहार के दौरान हिंदू देवी देवताओं के गीत या भजन चलाए जाते हैं। एक स्थानीय एडवोकेट शांतनु सिंघा ने पुलिस को ईमेल से भेजी शिकायत में क्लब के सचिव परिमल दे समेत 10 लोगों के नाम दिए हैं। शांतनु कहते हैं कि दुर्गा पूजा के पंडाल से अजान बजाकर आयोजकों राज्य में शांति और सद्भाव भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनका आरोप है कि आयोजकों ने जानबूझकर ऐसा किया है।
शांतनु अपने आरोप के समर्थन में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो की दलील देते हैं। पुलिस ने हालांकि अब तक शांतनु की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं की है। उन्होंने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है। पुलिस के एक अधिकारी के नाम नहीं छापने पर बताया कि सोशल मीडिया पर इस बारे में आने वाली पोस्ट पर साइबर सेल नजदीकी से निगाह रख रहा है। दूसरी ओर आयोजकों की दलील है कि उनकी इस साल की थीम का मकसद तमाम धर्म के लोगों में शांति का संदेश देना है। क्लब के सचिव परिमल डे का आरोप है कि इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वे कहते हैं, बंगाल की दुर्गा पूजा अपने सामाजिक संदेशों के लिए मशहूर है। अपनी थीम के तहत हमने पंडाल में मंदिर के अलावा चर्च और मस्जिद के मॉडल लगाकर इन धर्मों के प्रतीक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया है। डे कहते हैं कि क्लब का मकसद ये संदेश देना है कि मानवता सभी धर्मों से ऊपर है। आयोजकों का कहना है कि अपनी थीम के तहत उन्होंने एक वीडियो के जरिए तीनों धर्मों के बारे में बताया है। परिमल दे कहते हैं, मां दुर्गा की पूजा के दौरान अजान की रिकॉर्डिंग बजाने के आरोप निराधार हैं। लोगों ने हिंदी और ईसाई धर्म के बारे में वीडियो में दिए गए संदेशों की तो अनदेखी कर दी, लेकिन निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व उर्दू के जारी संदेश पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। हालांकि दे ये नहीं बताते कि निहित स्वार्थ वाले तत्व कौन हैं। वैसे इस विवाद की वजह से बेलिया घाट के इस पंडाल में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। दक्षिण 24 परगना जिले के बराईपुर से यहां पहुंचे एक युवक सोमेन हलदार कहते हैं, पूजा में अजान बजाने की खबर फैलने के बाद मैंने दोस्तों के साथ यहां आने का फैसला किया, लेकिन यहां तो भारी भीड़ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कोलकाता के बेलिया घाट 33 पल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान कई धर्मों के रिलीजन के तौर पर एक सॉन्ग बजाया जाता है, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो। तीन रिलीजन के अगर सॉन्ग बजाए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती, पर उर्दू से नफरत करने वालों को इस कदर एक सन सवार हो चुकी है हुकूमत आने के बाद कि वो किसी न किसी बात पर आपत्ति खड़ी कर देते हैं और हर एक सेकंड में उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, जिससे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। कोलकाता के बेलिया घाट 33 पल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और दुर्गा पूजा के आयोजन के जो एकता का पैगाम देना चाहते हैं परिमल डे और परेश पाल जो TMC के विधायक हैं, वो एक दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है, उस देश से हमें बाहर निकलना होगा और उस सोच से हम लोगों को बाहर आना होगा। दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं और दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान अजान बजाई जाती है दुर्गा पूजा के पंडाल में, जिससे एक मैसेज दिया जा सके इन नफरत के सौदागरों को जो आए दिन नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। अजान बजाई जाती है और इसी के साथ साथ क्रिश्चियन समुदाय के लोगों का भी सॉन्ग बजाया जाता है, तो वहीं सिखों के गुरुद्वारे में जो सॉन्ग बजाए जाते हैं, जो अर्चनाएं की जाती हैं, उसको लेकर के वो लोग एक मुहिम की शुरुआत करते हैं, पर इन सब से उन्हें आपत्ति नहीं होती। जब दुर्गा पूजा पंडाल में अजान बजाई जाती है तो सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुओं पर मुसलमानों की भावनाएं और उनका रिलीजन थोपने की कोशिश की जा रही है। शर्मनाक अपने आप में इनकी सोच है जो आए दिन दिमाग में गंद लेकर के फिरते हुए नजर आते हैं और अपने आकाओं के इशारे पर पूरे बंगाल को एक आग में झोंकने की साजिश जो परसों से करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में ही शर्मिंदगी हो चुकी है, क्योंकि इंसानियत
से पहले हमें धर्म और जाति से ऊपर उठ करके पहले इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में तो इंसानियत का पार्ट लोग भूल चुके हैं, धर्म और जाति को पहले रख करके इंसान से दोस्ती बनाने लगे हैं। और विरोध करने वाले में तर्केश्वर पाल और शांतनु सिंघा एडवोकेट इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग मुस्लिम समुदाय के रिलीजन को हिंदुओं के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। पर वहीं बैलियाघाट 33 पल्ली के जो थाना अधिकारी हैं उनके जज्बे को सलाम, क्योंकि इन लोगों की बातों को वो तवज्जो नहीं देते, वो सिर्फ एक मिसाल जो पेश करने की कोशिश की गई उस पर तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। ये लोग एक एफआईआर के तौर पर बार बार कंप्लेन करते हैं, पर बैलियाघाट 33 पल्ली के पुलिस अधिकारी ये साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि हमें ऐसा इसमें कुछ नजर नहीं आया और अगर आएगा तो हम आपसे पहले कार्रवाई करेंगे। आखिरकार क्यों बंगाल को आग में झोंकने की साजिश की जा रही है, क्यों दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसका सवाल अब हर कोई जानना चाहता है। जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की जा रही है तो वहीं कुछ नफरत के सौदागर मुंह में जहर लेकर के पूरे देश को एक आग में झोंकने की कोशिश मुसलसल करते हुए आ रहे हैं, जिससे देश की अखंडता और एकता पर सवाल खड़े हो सके। पर भले ही वो लाख कोशिश देश में नफरत घोलने की करते रहें, पर हमारे बीच में परिमल डे परेश पाल टीएमसी के जो विधायक हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं देश में जो इस अखंडता और एकता को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोलकाता के बैलियाघाट 33 पल्ली से जो खबर हम लोगों के सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, पर जिस तरीके से परिमल डे और परेश पाल ने एक एकता का संदेश दिया जो दुनिया भर में वायरल हुआ, उसी एकता के पैगाम को हर जगह पहुंचाया गया, भले ही नफरत करने वाले कितने भी नफरत फैलाते रहें, हमारे और आपके दिलों में कभी नफरत के बीज वो बो नहीं सकते। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।